नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार। आप बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। दो, पूरे भारत में जिन श्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बुधवार धर्म का मुखिया है, इसीलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। तीन, रामायण में और कुमारिल भट्ट की किताबों में बुधवार को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है, अन्य जातियां कभी निशाने पर नहीं रही। चार, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है और इस जाति में आज भी राजसी गुण झलकते हैं। पाँच, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे, इनको ही गांवों में डीह बाबा कहा जाता है। छह, चमार जाति से बौद्ध धर्म छिनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर कहीं से बौद्ध धर्म ना खड़ा कर पाए। सात, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसीलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा और कभी यह नहीं जान पाएगा कि वे चमार एक राजशाही खून है, इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बुधवार धर्म खड़ा कर देगा। आठ, चमार खुद को इसीलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं, इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसीलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाइयां हो जाती है। नौ, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं उसी तरह चमारों की भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाद चमार, पासी चमार आदि, लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फुट पड़ती गई। दस, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला, इसीलिए कहावत बन गई कि काला बाभन गोरा चमार, दुई जात से सदा होशियार। ग्यारह, जो भी जातियां आ रहे नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुशाध्या, अन्य शुद्र ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई है ये वर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ में इसका प्रमाण है और अधिक जानकारी हेतु आप बाबा साहब की लिखी किताब डॉट हु वाज शद्र शुद्र कौन थे से पढ़ सकते हैं। हर चमार से अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले चमार बौद्ध भाई के पास जरूर भेजे ताकि उसको भी यह पता चले कि उसका खून भेड़ बकरियों का नहीं है बल्कि हर चमार महापंडित है, सूर्यवंशी है। जय भीम, जय भारत।